हेलो फ्रेंड्स, और हम देख रहे हैं राजनीति विज्ञान अर्थात नागरिक शास्त्र में भाग 22वां, और इसमें विविध प्रकार के क्वेश्चन हैं, इसलिए इसका नाम ही है मिसलेनियस। और अराउंड 55 क्वेश्चन हम देखेंगे। ये जो है TGT, PGT, GIC, GDC, LT ग्रेड, UPSC तथा UGC नेट, JRF जैसे परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत में केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, सरकारिया आयोग ने। अनुच्छेद 245 से 263 तक केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है और यह भाग 11 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही है, पितृसत्तात्मकता से जो संबंध है वो सर हेनरी मेन का है, ना कि हाब्स का। अन्य सभी विकल्प सही हैं, तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, क्योटो सम्मेलन का मुद्दा किससे संबंधित था? तो सही आंसर हो जाएगा सी, जलवायु परिवर्तन से। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंध रखता है? आसान क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जे से। हालांकि अब ये अनुच्छेद ही खत्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा भी, और जम्मू कश्मीर को दो जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, एक तो है जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर सम्पन्न हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा ये, बम्बई में पहला सम्मेलन कांग्रेस का सम्पन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस कानून किसने प्रस्तावित किया? तो सही आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड लिटन ने 1878 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया? सॉरी फ्रेंड्स, मिस प्रोनाउंसिएशन के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा सी, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो सही आंसर हो जाएगा ए, लाला हरदयाल ने की। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा ए, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, और ये जो है 1828 में किया था। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा उन्मूलन के लिए किसने दृढ़ता से वकालत की? तो सही आंसर है ए, राजा राम मोहन राय। इसके पीछे एक कहानी ये भी है कि राजा राम मोहन राय अपनी भाभी को बहुत ही मानते थे, बहुत उनका सम्मान करते थे, किंतु उनके बड़े भैया के मृत्यु के पश्चात जो है उनकी भाभी जी को उनकी अनुपस्थिति में वो कहीं गए हुए थे, जबरन जो है सती प्रथा का पालन करवाया गया, जिसको बाद में जब ये जाने तो बहुत ही आहत हुए, और फिर इन्होंने जो है बहुत ही दृढ़ता के साथ सती प्रथा उन्मूलन के लिए जो है कार्य किया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किसी भी राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में बनी थी? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, और ये थी सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सही आंसर हो जाएगा ए, गोपाल कृष्ण गोखले, और ये जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, दीपा मेहता की फिल्म वाटर के विरुद्ध सांस्कृतिक राजनीतिक आंदोलन का नेता कौन था? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी, RSS। यहाँ भले ही नेता की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन कई बार उत्पन्न कर दिया जाता है, किंतु जो RSS है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठन है, उन्होंने जो है इस फिल्म का काफ़ी विरोध किया था और आंदोलन चलाया था। यहाँ पे आप देखते हैं कि इनकी जो फिल्म है वाटर के विरुद्ध, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS ने सहयोगी संगठनों के साथ सांस्कृतिक राजनीतिक आंदोलन चलाया था इस मूवी के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी साधनों का समर्थन नहीं किया? तो सही आंसर हो जाएगा ए, मणिबेन पटेल ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे आपको सही कथन का चुनाव करना है।
पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। अगला स्टेटमेंट है, इसके प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग नाम से शाखा है। और तीसरा, इसकी शक्तियाँ केवल सिफारसी प्रकृति की हैं। और चौथा कह रहा है कि आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, प्रत्येक राज्य में है, ये ज़रूरी नहीं है। तो दो को आप एलिमिनेट कर देंगे, सही आंसर हो जाएगा आपका डी, एक और। सॉरी फ्रेंड्स, देखते हैं, इसके प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से एक शाखा है और इसकी शक्तियाँ केवल सिफारसी प्रकृति की हैं और एक महिला को नियुक्त करना आवश्यक है। फ्रेंड्स, इसमें ये सही है, सारे ही स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्राभिमुखी है, क्योंकि मतलब केंद्र की तरफ झुका हुआ है, केंद्राभिमुखी है या केंद्र शक्तिशाली है, ऐसा क्यों है? तो पहला कह रहा है, संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है, सही है। आपातकाल में केंद्र की शक्ति बढ़ जाती है, यह भी सही है। तो दो सही लग रहा है, तो अपने आप ही आंसर जो डी हो जाएगा। संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्वितरण कर सकती है, तीनों ही स्टेटमेंट वैसे सही है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता राज्यों के पुनर्गठन की नहीं है? अविनाशी, ये जो है स्टेटमेंट सही है भारत के संदर्भ में, क्योंकि जो भारतीय राज्य हैं वो अविनाशी नहीं है, उनका विनाश या उनका नाश हो सकता है। संसद जो है कानून बनाकर उनको जो है कि एक राज्य को किसी राज्य में मिला सकती है या उसके नाम सीमा आदि में परिवर्तन कर सकती है। अन्य सभी विशेषताएं हैं, परवर्ती संसद को किसी राज्य के नाम को बदलने का अधिकार है, केंद्रीय संसद को नए राज्यों के निर्माण का भी अधिकार है। कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये हो जाएगा अविनाशी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुगल विरासत है जो अंग्रेजों ने भारतीय प्रशासन तक पहुँचा दी? तो सही आंसर हो जाएगा सी, सैनिक प्रशासन वो मुगल विरासत है जिसे अंग्रेजों ने भारतीय प्रशासन तक पहुंचा दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए मूल अधिकारों तथा नीति निदेशक तत्वों के संबंध में कौन से अद्यतन सही हैं? अद्यतन स्थिति किसकी जो है सही है, यानी वर्तमान में जो है क्या सही है नीति निदेशक तत्वों के संबंध में? तो किसी भी हालात में नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकार पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती, ये वर्तमान में सही नहीं है, क्योंकि 39A और 39 जो है ग, ऐसे करके दो आर्टिकल ऐसे हैं DPSP में जिसे जो है मूल अधिकारों के ऊपर भी प्राथमिकता दी गई है। और अगला है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त होती है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि सभी यहाँ पे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को कितने को यहाँ कोई भी आर्टिकल मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे सामान्य रूप से नीति निदेशक तत्वों की बात कर रहा है, तो जनरली जो है या सामान्यतः नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ सही पूछ रहा है सही कौन सा है। फिर कह रहा है, मौलिक अधिकारों की राज्य के नीति निदेशक तत्वों पर सदैव प्राथमिकता होती है, सदैव नहीं होता है फ्रेंड्स। और फिर कह रहा है, कुछ मामलों में नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी जा सकती है, कुछ मामलों में और दी जा सकती है, ये दोनों ही शब्दों पे ध्यान देंगे, तो इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कुछ मामलों में नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी जा सकती है। यहाँ पे आप देख भी लेंगे, जैसे 25वां संविधान संशोधन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रावधान करता है कि कोई कानून जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों जो कि 39B और C, यही मैं कहना चाहती थी, 39B या C या 39 ख और ग में वर्णित है, प्रभावी बनाने हेतु अगर पारित किया जाता है तो इसे इसलिए निरस्त नहीं किया जाएगा कि ये जो मौलिक अधिकार हैं 14 और 19 में प्रदत्त आय को सीमित करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि 39B C को अनुच्छेद 14 और 19 पे प्राथमिकता प्रदान की गई है, यानी कुछ जो DPSP हैं उनको फंडामेंटल राइट पे प्राथमिकता दी गई है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संघ सरकार का राज्यों को विशेष दर्जा दिए जाने का क्या तात्पर्य है? तो इसमें कह रहा है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं, केंद्रीय सहायता का बड़ा प्रतिशत अनुदान सहायता में दिया जाएगा, ये जो है सही है, अर्थात ये जो सहायता है वो ऋण नहीं है, अनुदान के रूप में दिया जाएगा और उसे जो है राज्य द्वारा केंद्र को लौटाना नहीं पड़ेगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। भारतीय लोकतंत्र को, अभिजन वर्ग की भूमिका नहीं, जाति की राजनीति ये हो सकता है। तो इस प्रकार इसमें जो है सही आंसर बी ही होगा, जाति की राजनीति जो है भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस प्रावधान के अनुसार लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है तो यहाँ पे 356 ऑफ कोर्स होगा और 365 ये दोनों होगा। 352 एलिमिनेट कर लेंगे, ये राष्ट्रपति शासन नहीं बल्कि राष्ट्रीय आपात की बात करता है और ये वित्तीय आपात की बात करता है। 356 और 365 जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित हैं। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा सी, 1 और 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों का चयन किसके द्वारा किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ये संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में कौन सी शासन प्रणाली है। तो सही आंसर हो जाएगा ये संघात्मक शासन प्रणाली है भारत में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति का एक कारण नहीं बताया जाता है वह क्या है। तो आसान है, सही आंसर हो जाएगा भी गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन आरंभ करने की धमकी। साइमन कमीशन को नियुक्त करने का ये कारण नहीं था, अन्य कारण थे। ब्रिटेन में आम चुनाव चल रहा था, स्वराज दल को कमजोर करना और राष्ट्रवाद को कमजोर करना। तो सरकार बदल जाती और नई नीतियाँ लाती, इससे पहले जो वर्तमान सरकार थी उसने सोचा कि भारत में किस प्रकार से व्यवस्था की जाए उनके लिए लाभदायक हो। तो आम चुनाव कारण था, स्वराज दल को कमजोर करना भी एक कारण था, राष्ट्रवाद को कमजोर करना, ये सभी कारण थे साइमन कमीशन को नियुक्त करने का, और गांधी जी द्वारा धमकी ये नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन 1921-22 के कार्यक्रम से संबंधित नहीं था। तो सही आंसर हो जाएगा डी, ब्रिटिश अधिकारियों का अपमान करना। ये क्वेश्चन वैसे आसान है, कॉमन सेंस से भी किया जा सकता था। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत क्या प्रतिबिंबित करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ए, संविधान निर्माताओं के सामाजिक तथा आर्थिक न्याय के दर्शन को जो है ये प्रतिबिंबित करते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। सामाजिक आर्थिक न्याय ये इनका कूट शब्द है, इसको ध्यान में रखेंगे, सामाजिक आर्थिक न्याय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत उल्लेखित नहीं है। तो लोक स्वास्थ्य में सुधार ये भी है, गोवध निषेध भी है, नैसर्गिक स्वतंत्रता का संरक्षण ऐसा जो है नीति निदेशक तत्वों में वर्णन नहीं है। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना, काम का अधिकार है, लोक स्वास्थ्य में सुधार सुनिश्चित करना, गोवध निषेध ये भी है, और महिलाओं के लिए कुछ बात की गई है कि हाँ उन्हें समान वेतन का अधिकार होना चाहिए, उनको प्रसव काल में जो है एक किस तरह की सुविधाएं चाहिए, कैसा सम्मानजनक वातावरण में काम करें। सशक्तिकरण सुनिश्चित करना जो है ये स्पेसिफिक उसमें ऐसा शब्द नहीं यूज किया गया है, अन्य बिल्कुल यूज किए गए हैं, इसलिए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गांधी के स्वराज की अवधारणा है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, स्वशासन जो है गांधी के स्वराज की अवधारणा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में कब लागू की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा 1919 के अधिनियम द्वारा, और 1935 के अधिनियम द्वारा ये केंद्र में लागू की गई थी। दोनों फैक्ट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह धारणा क्या कहलाती है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, बैठ जाना कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सदन का सदस्य बने बिना सदन की अध्यक्षता करता है। तो ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता फिर भी उसकी अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन है लोक सेवाओं में नियुक्ति का कौन सा तरीका नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, निर्वाचन, क्योंकि परीक्षा होती है, लिखित भी, साक्षात्कार भी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा ने कब स्वीकार किया।
तो सही आंसर हो जाएगा डी, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक की प्रथम प्रजा कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, राज्यपाल। किसी भी राज्य का प्रथम नागरिक या प्रथम प्रजा राज्यपाल होता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति होता है। सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण आलेख जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को, दोनों को ही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा सी, संसद के पारित एक अधिनियम द्वारा जो है राष्ट्रीय महिला आयोग का 1992 में गठन किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी को चुनिए? तो सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़म द्रविड़ मुन्नेर कड़गम पार्टी। अन्य जो है ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति जो है राजदूतों की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब आपातकाल की उद्घोषणा जारी हो तब मूल अधिकारों को स्थगित करने संबंधी प्रावधान लिया गया है कहाँ से? तो सही आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी के वाइमर संविधान से। अगला क्वेश्चन है, पंथ निरपेक्षता के दर्शन में क्या निहित है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, सभी धर्मों के प्रति सम्मान। अगला क्वेश्चन है, जाति संहार क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, सामूहिक हत्या जो है जाति संहार है, क्योंकि इसमें एक साथ बहुत सारे व्यक्तियों की हत्या कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आणविक उत्तरदायित्व विधेयक संसद में कब पारित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ए, वर्ष 2010 में आणविक उत्तरदायित्व विधेयक जो है संसद में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब पारित हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा डी, वर्ष 2005 में। और कई बार इसमें डेट को भी पूछा है, तो 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये वर्ष 2005 में पारित किया गया था, हम देख चुके हैं ऊपर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष किस दिन मनाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा डी, 25 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद कब स्थापित की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा सी, 1990 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है, अनुच्छेद 263 के तहत, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आईपीसी का मतलब क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, इंडियन पिनल कोड जो है आईपीसी का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम या नियम किस वर्ष पारित किया? तो सही आंसर हो जाएगा सी, 1954 में भारत सरकार ने खाद्य मिलावट निवारण नियम पारित किया। अगला क्वेश्चन है, संसदीय लोकतंत्र का क्या अर्थ है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, संसदीय लोकतंत्र अर्थात जहाँ पे संसद सर्वोच्च हो और वास्तविक कार्यपालिका जो है उत्तरदायी होती है विधायिका अर्थात संसद के प्रति। अगला क्वेश्चन है, सरकार की संघीय व्यवस्था में शक्तियाँ बंटी होती हैं किनके बीच? संघीय व्यवस्था में जो है शक्तियाँ केंद्र और राज्य इकाइयों के बीच बंटी होती हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संघात्मक सरकार में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? तो सही आंसर बी हो जाएगा, संविधान के द्वारा जो है शक्तियों का विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गणराज्य नहीं है? तो इसका जो है ये वर्ष 2002 में पूछा था, उस समय सही आंसर था नेपाल। हालांकि वर्ष 2008 में इसे जो है एक गणराज्य घोषित कर दिया गया है, तो अब इस स्थिति जो है बदल गई है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में वह कौन सा ऐसा पहला देश था जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की? तो सही आंसर हो जाएगा सी, इंडोनेशिया ने जो है 17 अगस्त 1945 को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन है और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? कार्यपालिका की शक्तियाँ, शासक एवं शासित के बीच का संबंध, सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच के संबंध एवं उनकी संरचना, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी जो है
संविधान द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, धन्यवाद।